So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, faculty for auditing at the Institute of Chartered Accountants Mumbai and various places across the country. आज जो आपके पास मैं आया हूँ एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज के साथ आया हूँ फॉर द नवंबर 17 स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम दे रहे हैं CA फाइनल ऑडिट का. स्टूडेंट्स को एक बहुत ज़्यादा क्वायरीज है कि सर आखिर ऐसे 260 और 570 में अमेंडमेंट क्या है, व्हाट इज़ द रियल अमेंडमेंट इन ऐसे 260 570. तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे 260 और 570 में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, बिल्कुल पुराना वाला ही है, बहुत स्लाइट चेंज है. वो चेंज क्या है, ऐसे 260 में खाली इतना कहा गया कि जब आप मैटर्स कम्युनिकेट करोगे टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जब आप मैटर कम्युनिकेट करोगे टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उनमें से जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, उनमें से जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे उससे आप इंक्लूड करोगे इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ. अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल है. इलॉजिकल इसीलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने की ऑडिट मैटर्स का जो स्टैंडर्ड है 701 उसको एप्लीकेबल नहीं किया, लेकिन ये कहा कि 260 एप्लीकेबल है, 260 का अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. एंड दिस इज रिलेटेड विद द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ कि जो भी चीज़ें आप कम्युनिकेट करोगे दोस्त चार्ज गवर्नेंस को अंडर से 260, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर दैट यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ. इसलिए अपन जब डिसाइड करेंगे फैक्टर्स टू बी गवर्नड कि भाई ऑरल कम्युनिकेशन करना है, रिटर्न करना है, तो आप ये डिसाइड करने वाले हो कि क्या इस बारे में मैं की ऑडिट मैटर्स में बताने वाला हूँ या नहीं बताने वाला. ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, अगेन द स्टैंडर्ड इज द सेम, दो अमेंडमेंट्स है छोटे छोटे. एक तरीके से आई कैन से कि वन अमेंडमेंट है, वन क्लैरिफिकेशन है. पहली चीज़, जब आप रिपोर्टिंग करते हो गोइंग कंसर्न की, तो अगर मेटल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न के बारे में, तो अगर मेटल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न के बारे में बट मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज कर रखा है, मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज अबाउट द सेम, इन दैट सिचुएशन क्या हुआ है, पहले गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग के लिए कोई अलग पैराग्राफ नहीं होता था, तो हम लोग उसे क्या करते थे, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में रिपोर्ट कर देते, सॉरी इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में रिपोर्ट कर देते थे अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रखा अनसर्टेनिटी के बारे में. बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ए सेपरेट रिपोर्टिंग फॉर 570. सेपरेट हेडिंग दी है मेटल अनसर्टेनिटीज इन द गोइंग कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न. तो बिकॉज एक सेपरेट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अब अगर कोई मेटल अनसर्टेनिटीज है गोइंग कंसर्न के बारे में, तो उन मेटल अनसर्टेनिटीज को आप कहाँ डालोगे, मेटल अनसर्टेनिटीज ऑफ द गोइंग कंसर्न पैराग्राफ के अंदर डालोगे. अगेन थोड़ा सा इलॉजिकल है, बिकॉज ये पैराग्राफ कहाँ आया है, ऐसे 700 में आया है, और 700 की अमेंडमेंट को इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल नहीं किया है, बट 570 के अमेंडमेंट को इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल किया है. तो ये दो चीज़ें. उसके अलावा सर और क्या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हमारे लिए नए, तो जो लास्ट टाइम स्टैंडर्ड्स आए थे ऐसे 610 रिवाइज्ड हुआ था, ऐसे ही 3420 बिल्कुल नया आया था, देन ऐसे ही SRS 4410 कंपाइलेशन, ये सारे नए स्टैंडर्ड्स जो लास्ट टाइम आए थे. अगर उनमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैंने एक रिविजनरी वीडियो डाला हुआ है स्टैंडर्ड्स का 2.5 hours का, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है इंक्लूडिंग दिस 3. तो आप चाहो तो पूरा रिविजन भी गो थ्रू कर, पूरा स्टैंडर्ड्स भी रिवाइज कर सकते हो 2.5 hours में वहां से, या फिर आप सिर्फ क्या कर सकते हो इन स्टैंडर्ड्स का पार्ट आप क्या कर सकते हो वहां निकाल के देख सकते हो जो लास्ट टाइम अमेंड हुए थे. सो दिस आर द रेलिवेंट अमेंडमेंट्स इन द स्टैंडर्ड्स. उसके अलावा ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं. एक चीज और एडवाइस करूंगा कि पीयर रिव्यू PSU से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं नवंबर 17 RTP में, आप उसको जरूर देख लेना, और मई 17 के जो अमेंडमेंट्स हैं वो जरूर अच्छे से देख लेना. राइट, तो आई बिलीव कि जो कंफ्यूजन होगा आपके अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग वो दूर हो गया होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वायरीज, एनी प्रॉब्लम्स, आई एम अवेलेबल अगेन टूडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स फॉर द क्वायरीज. तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सअप मी एट 7838061193. सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से देने वाले हो. सो थैंक यू.